बीएमसी के दफ्तर तोड़ने के बाद कंगना ने एक और वीडियो जारी किया था। इसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे को सीधे तौर पर चुनौती दी थी। कंगना ने कहा था कि आज मेरा घर टूटा है, कल उद्धव ठाकरे का घमंड टूटेगा। अब इसके बाद एक बार फिर कंगना ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। बीएमसी ने बुधवार को बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के मुंबई के पाली हिल्स इलाके में स्थित दफ्तर पर बुलडोजर चलाया। बीएमसी की इस कार्रवाई के बाद कंगना लगातार शिवसेना, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को निशाने पर ले रही। कंगना ने गुरुवार को उद्धव ठाकरे के साथ साथ कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए शिवसेना को सोनिया सेना बताया। कंगना ने ट्वीट करके कहा, जिस विचारधारा पर श्री बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना का निर्माण किया था, आज वो सत्ता के लिए उसी विचारधारा को बेचकर शिवसेना से सोनिया सेना बन चुकी है। जिन गुंडों ने मेरे पीछे से मेरे घर को तोड़ा, उनको सिविक बॉडी मत बोलिए, संविधान का इतना बड़ा अपमान मत करो। वहीं एक अन्य ट्वीट में कंगना ने कहा कि तुम्हारे पिताजी के अच्छे कर्म तुम्हें दौलत तो दे सकते हैं, मगर सम्मान तुम्हें खुद कमाना पड़ता है। मेरा मुंह बंद करोगे मगर मेरी आवाज मेरे बाद 100 फिर लाखों में गूंजेगी। कितने मुंह बंद करोगे, कितनी आवाजें दबाओगे, कब तक सच्चाई से भागोगे? तुम कुछ हो सिर्फ वंशवाद का एक नमूना। दूसरी तरफ एक अन्य ट्वीट में कंगना ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की। कंगना ने शिवसेना को निशाने पर लेते हुए कहा कि चुनाव हारने के बाद शिवसेना ने शर्मनाक तरीके से मिलावटी सरकार बनाई और सोनिया सेना में तब्दील हो गई। कंगना ने बीएमसी की कार्रवाई के बाद एक वीडियो साझा किया, सीधे सीधे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। कंगना ने वीडियो में कहा, उद्धव ठाकरे तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलकर मेरा घर तोड़कर मेरे से बहुत बड़ा बदला लिया? आज मेरा घर टूटा, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मेरे पर बहुत बड़ा एहसान किया, क्योंकि मुझे पता था कि कश्मीरी पंडितों पर क्या बीती होगी, आज मैंने महसूस किया। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलकर मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी, आज मैंने महसूस किया है। और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सुशांत सुसाइड केस को लेकर शुरू से ही कंगना अपना पक्ष रखती आ रही है, जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार और कंगना आमने सामने हैं। अब देखना होगा कि मामला कहां जाकर शांत होता है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।